हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं यहाँ आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग SBPET पब्लिकेशंस BK मेहता की क्वेश्चंस करवाती हूँ। मैं पहले के वीडियो में मैं आपको फीफो मेथड की क्वेश्चंस करवा दिया है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा चुका है पहले के वीडियो में, और मैंने लिफो मेथड भी आपको बताया है। 90 नंबर में मैंने बता दिया है, 70 नंबर मैंने बता दिया है। आज मैं आपको हीफो मेथड स्टार्ट करूँगी। तो आइए हम SBPET बुक के क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं हीफो मेथड का। शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द स्टोर लेजर रिगार्डिंग अ सर्टेन मटेरियल इन इफ हीफो सिस्टम इज फॉलोड। ना देखिए, हमें हीफो मेथड से निकालना है स्टोर लेजर अकाउंट। हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, रिसिप्ट का है। 2013 को 1 जुलाई को रिसिप्ट किया है 1000 यूनिट 3 रुपये पर यूनिट करके। फिर 10 जुलाई को रिसिप्ट किया है 260 यूनिट 5 रुपये पर यूनिट करके। फिर 21 जुलाई को रिसिप्ट किया है 400 यूनिट 6 रुपये पर यूनिट करके। फिर 24 जुलाई को भी रिसिप्ट किया है 300 यूनिट 5 रुपये पर यूनिट करके। फिर 30 जुलाई को भी रिसिप्ट किया है 500 यूनिट 4 रुपये पर यूनिट करके। फिर ये देखिए इशू का है, इशू किया है 11 जुलाई को 700 यूनिट 25 जुलाई को 620 यूनिट 27 जुलाई को 240 यूनिट्स और 31 जुलाई को 380 यूनिट्स। देखिए, हमें हीफो मेथड से बनाना है, तो हम इस तरह से फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। हम आपको फॉर्मेट बताया है, रिसिप्ट इशूड बैलेंस का होता है। फिर उसके अंदर 3 कॉलम होता है, क्वांटिटी, डेट अमाउंट, रेट अमाउंट। क्वांटिटी में यूनिट लिखते हैं, रेट में कितना पर यूनिट करके, और अमाउंट में हम क्वांटिटी और रेट को गुना करके लिखते हैं, इंटू करके। सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, तो डेट को कॉलम दे दिए। देखिए, हम 2013 का बना रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में 2013 दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट डेट 1 जुलाई को रिसीव किया है 1000 यूनिट 3 रुपये पर यूनिट करके। तो हम सबसे पहले वो लिख लेंगे, 1 जुलाई को रिसीव किया है, तो रिसिप्ट में लिखेंगे हम 1000 यूनिट 3 रुपये करके। 3 रुपये पर यूनिट है अमाउंट हमारा, दोनों को गुना करने पे 3000 हो जाएगा। उसके बाद इशू में कुछ नहीं है, तो इशू में हम कुछ नहीं डालेंगे। बैलेंस हमारा जो हम रिसीव किए, यानी कि सबसे पहले हमारा ये परचेस किए होंगे, तो जो परचेस किए वह हमारा बैलेंस आ जाएगा। हम अभी परचेस किए हैं, तो हमारा बिजनेस अभी परचेस किया, हम सबसे पहले 1000 यूनिट 3 रुपये वाला करके 3000 रुपये का। तो इस वजह से ये हमारा बैलेंस हो गया। 1 जुलाई के बाद देखिए, हमारा 1 जुलाई के बाद 10 जुलाई है। हाँ, 10 जुलाई है, तो हम 10 जुलाई को फिर रिसीव किए हैं 260 यूनिट 5 रुपये करके। तो हम लिखेंगे फिर से रिसिप्ट में 10 जुलाई को 260 यूनिट्स 5 रुपये करके, दोनों को गुना कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1300। रिसीव इशू में कुछ नहीं है, हमारा बैलेंस जो पहले था, पहले हम उसको लिख लेते हैं 1000 3000। देखिए, 1 तारीख को जो बैलेंस था वही हमारा 10 तारीख को बैलेंस में आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कुछ इशू नहीं हुआ है। तो बैलेंस जो था पहले वो लिख लिए, पहले वाला। उसके बाद हम परचेस किए, तो फिर उसको भी लिख लेंगे। देखिए, 2 तारीख को हम फिर से रिसीव किए थे 260 यूनिट 5 रुपये करके, तो हमारा 1300 अमाउंट हुआ। इशू कुछ नहीं किए हैं, और बैलेंस में हम जो पहले था बैलेंस, जो पहले हम खरीदे हुए थे उसको लिखेंगे, परचेज जो किए थे पहले का बैलेंस लिख लेंगे, जो पहले आया था वो उसको लिख लेते हैं। फिर बाद में परचेज़ किए, तो फिर उसको अभी हम लिख लेंगे, तो हमारा दोनों ऐड हो जाता है। दोनों को लिख लेते हैं बैलेंस में, पहले हम पहले वाला बैलेंस लिखते हैं, फिर बाद में जो परचेस आता है उसको लिखते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद फिर 11 तारीख को है, देखिए 10 जुलाई के बाद 21 जुलाई को रिसीव किया है, उससे पहले 21 जुलाई से पहले इशू किया है 11 जुलाई को 700 यूनिट। तो 21 तारीख से पहले तो हम डेट बाई डेट चलेंगे, 10 के बाद 11 होता है, तो 11 को लेकर चलेंगे। तो 11 को इशू किया है, यानी कि सेल किया है 700 यूनिट। अब हम ये बनाएंगे, देखिए, तो रिसिप्ट का कॉलम में कुछ नहीं होगा, इशू किया है 700 यूनिट। देखिए, तो हमारा ये कौन मेथड से बना रहे हैं, हीफो मेथड से। जब हम इशू करते हैं तभी हम मेथड का यूज़ करते हैं, जो मेथड से बनाते हैं। हीफो मेथड यानी हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो हमारा हाईएस्ट रेट होगा वो पहले जाएगा, वो पहले
जाता है। तो हमारा 700 यूनिट करना है, तो 3 रुपये रेट है एक 5 रुपये का रेट के, तो दोनों में से हाईएस्ट रेट कौन सा है? 5 रुपये रेट वाला है, तो हम पहले 5 रुपये रेट वाला इशू करेंगे। 5 रुपये रेट वाला कितना यूनिट है? 260, तो हम 260 लिख लिए, दोनों को गुना करने पर 1300 आएगा। तो हमें टोटल यूनिट कितना इशू करना था? 700, तो 700 में से हम 260 तो 5 रुपये रेट कर दिए, और कितना करना बाकी है? 440, तो 440 हम किससे करेंगे? बाकी बचा हुआ से, क्यों कितना कौन सा बचा हुआ है? 3 रुपये वाला रेट, तो 3 रुपये रेट से 440 हम इशू करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1320। तो हमारा कितना बचा? 1003 रुपये रेट का 1000 यूनिट्स था, और 1000 यूनिट में से हम 440 यूनिट इशू कर दिए, तो हमारा बच गया 560। 3 रुपये वाला दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1680, और 260 जो 5 रुपये का था वो तो हम पूरा इशू कर दिए, तो हमारा कुछ भी नहीं बचा है, तो इसको तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए 11 के बाद फिर से हम देखिए 11 तारीख को हम इशू कर लिए 700 यूनिट, 260 करके के लिए और 440 करके लिए, दो बार करके लिए। देखिए 11 के बाद कौन सा डेट है? 21। 21 को क्या किए? रिसीव किए 400 यूनिट 6 रुपये करके। अब हम वो लिख लेंगे, ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे 400 यूनिट 6 रुपये करके, तो हमारा आ जाएगा 2400। इशू कुछ नहीं करना था तो इशू में कुछ नहीं जाएगा, तो बैलेंस में जो पहले बैलेंस था उसको लिख लेते हैं, जो पहले वाले के लिए, उसके बाद जो परचेस किए हैं यानी रिसीव किए, अब उसको लिखेंगे 406 2400 हो गया। 21 तारीख के बाद देखिए 24 तारीख, 24 तारीख को भी हम रिसीव किए हैं 300 यूनिट 5 रुपये करके, 1500 हो गया। तो हम पहले लिख लेंगे, तो सबसे पहले 500 यूनिट है, 560 यूनिट सॉरी, 3 रुपये ईच करके 1680। 400 यूनिट है 6 रुपये करके 2400। उसके बाद जो भी रिसीव किए वो भी लिखेंगे हम लास्ट में, 300 5 रुपये करके 1500। तीनों कैसे कर देंगे हम? तो 24 का हमारा हो गया। अब 24 के बाद हमारा 25 को है, देखिए देखिए 24 के बाद रिसीव था, 24 के बाद इशू में हमारा 25 है, 25 जुलाई को हमारा 660 यूनिट इशू करना है, तो हम इशू करेंगे। तो देखिए 24 के बाद हम 25 को इशू करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 660 यूनिट इशू करना है, तो हम हीफो मेथड से बना रहे हैं, तो हीफो यानी कि हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो हाईएस्ट रेट का है वो पहले जाएगा, तो हाईएस्ट कौन सा है? 6 रुपये इच वाला, 6 रुपये पर यूनिट हमारा हाईएस्ट है, तो कितना यूनिट इसका? 400 यूनिट। तो हम पहले इसको इशू करेंगे, तो आइए हम करते हैं, चार सौ यूनिट 6 रुपये वाला, क्योंकि 6 हाईएस्ट है, 2400 हो गया। तो हमें 660 टोटल यूनिट इशू करना था, उसमें से हम 400 कर लिए, और 220 करना बाकी है, तो 220 अब हम उसके बाद कौन सा डेट से करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए 6 सबसे हाईएस्ट था, तो 6 तो हम कर दिए 400 इशू, 6 के बाद कौन सा हाईएस्ट है? 5, 5 वाला रेट हमारा हाईएस्ट है 5 रुपये पर यूनिट, तो इसमें से 300 है, 300 में से हम कितना इशू करना है हमें बाकी है? 220 करना है, तो हम 300 में से 220 कर देंगे इशू 5 रुपये वाला, तो हमारा आ जाएगा 1100 दोनों को गुना करने पे। हमारा बैलेंस कितना बचा? 3 रुपये वाला तो पूरा बच गया, 560 गुना करने पे 1680। देखिए जो 3 रुपये वाला बैलेंस जो पहले से बचा हुआ था उसे देखेंगे ना, तो बैलेंस 3 रुपये वाला तो पूरा बचा हुआ, क्योंकि 3 रुपये वाला हम यूज़ नहीं किए, 6 और 5 वाला यूज़ किए हैं, 6 में तो पूरा 400 पूरा इशू कर दिए हैं, देखिए पूरा इशू किए हैं। और जो 5 रुपये वाला है, तो 5 रुपये वाला 300 है, 300 में से हम
220 यूज़ किए हैं, सॉरी 220 यूज़ किए तो कितना हमारा बचा 80, 5 रुपये वाला अमाउंट हो गया हमारा 400। 25 के बाद अब 27 को हमारा फिर से इशू करना है। देखिए 25 के बाद फिर से 27 को इशू करना है 240 यूनिट। तो फिर से हम देखेंगे वही दोनों में से हाईएस्ट रेट कौन सा है। तो बैलेंस में हाईएस्ट रेट है हमारा 5 रुपये वाला है, रिसिप्ट में तो कुछ नहीं है। इशू करना है 5 रुपये वाला, कितना यूनिट है 80 यूनिट, तो 80 यूनिट हम लिख लिए। अमाउंट आ गया हमारा 400 गुना करने पे, तो 240 में से हम 80 यूनिट कर लिए, तो हमारा कितना और यूनिट इशू करना बाकी 160। तो 160 हमारा किससे करेंगे, 3 रुपये बचा हुआ है तो 3 रुपये वाला से कर देंगे, तो हमारा गुना करने पे कितना आएगा 480। तो देखिए हमारा बैलेंस भी कितना था, 560 यूनिट था 3 रुपये वाला, तो 3 रुपये वाला 560 यूनिट में से तो हम 160 यूनिट इशू कर दिए, तो कितना बचा हमारा 400। 560 में 160 घटा देंगे तो 400, नहीं 560 हमारा बैलेंस था हमारा बिजनेस में, जो भी मान लीजिए हमारा दुकान है वहाँ 560 कोई भी यूनिट है, कोई भी सामान है, उसमें से 160 हम इशू कर दिए नहीं बेच दिए, तो हमारा कितना बचा 400 रुपये हमारे पास बचा हुआ है, तो वही 400 बैलेंस बचा हुआ है। कितना रुपये वाला, 3 रुपये वाला था, 1 रुपये का एक यूनिट का दाम 3 रुपये था। अब दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1200 अमाउंट, और रहा 5 रुपये वाला यूनिट का 80 यूनिट, तो 80 यूनिट हम पूरा सेल कर दिए 5 रुपये पर यूनिट वाला, 5 रुपये ईच वाला, तो हमारा एक भी नहीं बचा हुआ है, 5 रुपये वाला एक भी नहीं बचा है। अब 27 के बाद देखिए, 27 के बाद 24 30 है, 30 को फिर से रिसीव किया है 500 यूनिट, 4 रुपये ईच करके, 4 रुपये पर यूनिट, तो हम लिख लेंगे रिसीव में 500 यूनिट 4 रुपये वाला, तो हमारा अमाउंट आ गया 2000। इशू कुछ नहीं है, बैलेंस में जो पहले से बैलेंस बच रहा था पहले उसको लिखते हैं, तो पहले वाला लिख लेंगे 3 1200। उसके बाद हम परचेस किए हैं, तो हम परचेस किए हैं तो हमारा वो भी बैलेंस में ऐड हो जाएगा, तो हम वो भी लिख लेंगे। अब जो भी परचेस में आता है वही हमारा ऐड होता है बैलेंस में। इशू तो हमारा बैलेंस से जाता है, इशू हमारा बैलेंस से जाता है और परचेस हमारा बैलेंस में ऐड होता है, याद रखिएगा। 31 तारीख का हो गया, सॉरी 30 तारीख का हो गया, 30 के बाद हमारा 31 तारीख, देखिए 30 का कर दिए, 30 के बाद हमारा यहाँ 31 तारीख है, 31 को इशू है 380 यूनिट। 31 हमारा लास्ट डेट है, उसके बाद हमारा और कोई भी नहीं है ट्रांजेक्शन, तो उस दिन 380 इशू है, 380। देखिए तो हमारा हाईएस्ट डेट देखेंगे इशू करने टाइम ही, हम देखते हैं कौन सा मेथड से बना रहे हैं, तो हम हिफो मेथड से बना रहे हैं। हिफो में यानी कि हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि हम हाईएस्ट रेट देखेंगे बैलेंस में, तो हाईएस्ट रेट कौन सा है, 4 रुपये ईच वाला हमारा हाईएस्ट रेट है, तो हमें कितना इशू करना था 380, और है हमारा बैलेंस कितना 500, तो 500 में से 380 तो हम इशू कर सकते हैं आराम से, तो कर दिए। तो कितना हमारा अमाउंट आएगा 1520, ये हमारा अमाउंट आ गया दोनों को गुना करने पे। अब देखिए बैलेंस कितना बचा, 3 रुपये वाला तो पूरा का पूरा बचा हुआ है, हमें एक भी इशू नहीं किए इस 400 में से, तो 400 यूनिट लिख लिए 3 रुपये वाला 1200, और रहा 4 रुपये वाला, तो 4 रुपये वाला में से 500 यूनिट हमारे पास बैलेंस था, उसमें से हम 380 इशू कर दिए, तो कितना बचा हमारा, बचा 120। दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 480। तो हमारा इस तरह से ये कंप्लीट हुआ, 31 तारीख लास्ट डेट था। देखिए अब हम क्या बोलते हैं आपको, रिसिप्ट का अमाउंट का टोटल करेंगे, 3000 1300 2400 1500 2000। बस तो हम अब टोटल करते हैं, तो हमारा कितना आएगा रिसिप्ट का टोटल, 10200। अब हम इशू का टोटल करेंगे, इशू का अमाउंट का टोटल, इशूड का 1300 1320, चौबीस सौ 1100 400 480 1520।
तो हमारा इशूड का अमाउंट का टोटल आ जाएगा 8,520। अब क्लोजिंग बैलेंस देखिए, हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है, इसको ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, इतना छोटा तो नहीं है। देखिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है, हम बोलते ये इसमें रिसिप्ट का अमाउंट और इशू का अमाउंट को माइनस करने पे हमारा क्लोजिंग का अमाउंट उतना आना चाहिए, यानी कि ये हमारा ये क्लोजिंग है, हमारा क्लोजिंग है यानी कि 1200 और 480, यानी कि 1680। तो हम 10,200 में 8,520 को घटाते हैं तो हमारा 1680 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 24 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम हीफो मेथड का क्वेश्चन बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम और कोई भी क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसका वीडियो बना देंगे। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ओके, बाय, थैंक यू।